की भ्रष्टाचार विरोधी तमाम कोशिशों के बावजूद भी कई ग्राम पंचायतें भ्रष्टाचार की नई इबादत लिख रहे हैं। भ्रष्टाचार की नदी में ऐसी कई ग्राम पंचायतें सिर से लेकर पैर तक डूबी हुई हैं। ऐसे ही हालात जयसिंहनगर जनपद के अंतर्गत आने वाली मनीषिया ग्राम पंचायत की है, जहाँ सरपंच और सचिव भ्रष्टाचार की नई इबादत लिख रहे हैं। सरपंच माया रानी गांधर्व और सचिव अनिल श्रीवास्तव साथ में मिलकर ग्राम पंचायत मनीषिया भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड ध्वज करते नजर आ रहे हैं, जहां दोनों ने आंगनवाड़ी भवन, सीसी रोड, प्रधानमंत्री आवास और पक्की नाल निर्माण के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया है। दो साल हो गए, कितने पैसे निकाल के दिए आपने बनाई या सरपंच ने बनाई? सरपंच जी ने दिया तो ठीक है। अच्छा, हाँ, कितने कितने की? एक बार शुरू में 40, हाँ, दूसरी भी 40, हाँ, 25 की करीब 32। सरपंच सचिव की है जोड़ी पंचायत में विकास के नाम पर सरकार के खजाने में जमकर सेध लगा रहे हैं। ग्राम पंचायत विकास के नाम पर लाखों रुपए सरकार से लिए, लेकिन असल में हकीकत कुछ और ही बयां करती नजर आ रही है। जो करवाओ किसी की मिल रहे, अरे अब जो कुछ मिल जाए हम कहा जाने वो में। अच्छा, भाई तुम्हारा काम है तुम्हारा खुद बता दो यार। पूरा काम है सचो से का कही थी सचो ने? अरे कोई फोटो करवाओ, हाँ, और फिर 10 का दोनों कर जाए प्रमाण पत्र बनवा दो, हाँ, बना दो, हाँ, अरे तुम्हारा जो कुछ लग जाए हम दे यार बनवा दे कुटी करवा दे, हाँ, मत को, हाँ, अरे अब देख लीजिए। अच्छा, सरपंच माया रानी गांधर्व और सचिव अनिल श्रीवास्तव से मिली भत्त के ग्राम पंचायत मनीषिया में सैमरा कला में एक आंगनवाड़ी भवन, जिसकी लागत राशि लगभग 7,80,000 है। पूरी राशि निकाल लेने के बावजूद भी आज दिनांक तक उसका निर्माण कार्य नहीं हुआ। ऐसे ही ग्राम सिंगार मुड़ी में आंगनवाड़ी भवन के 7,80,000 रुपए निकाल लेने के बावजूद भवन का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। इसी तरह मनीषिया बरिया से हनुमान मंदिर तक पक्की नाली बनाने के नाम पर 1,85,000 रुपए निकाल लिए, लेकिन अभी तक उसका निर्माण कार्य भी नहीं हुआ। भ्रष्टाचार से सिर से लेकर पांव तक डूबे सरपंच माया रानी गांधर्व और सचिन अल श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अति महाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास को भी नहीं छोड़ा। स्वयं पक्के घर का निर्माण काम कराने कबूल के ग्रामीण के बैंक खातों से पैसे निकलवाने के बावजूद उन्हें पक्के घर बनवा के नहीं दिए। ग्रामीण ने बताया कि सरपंच के कहने पर प्रधानमंत्री आवास के तहत उनके पक्के घरों के निर्माण की जिम्मेदारी स्वयं सरपंच ने ली थी, जिसकी राशि ग्रामीणों ने अपने बैंक खाते से निकलवा कर सरपंच को दे दी थी। लेकिन आज तक सरपंच ने घरों का पूरा निर्माण नहीं कराया है, जो 2 वर्ष बीते जाने के बाद सरपंच द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया है। भ्रष्टाचार कत में डूबी ग्राम पंचायत मनीषिया की तो उदाहरण मात्र है। प्रशासन ने आला अधिकारियों द्वारा अगर पंचायत की सही तरीके से जांच की जाए तो भ्रष्टाचार की कई परतें निकल कर सामने आएंगी। लोकल न्यूज के लिए जैसी नगर से गुलाब पुरी की रिपोर्ट।